सेवा ही संकल्प सांस्कृतिक समिति द्वारा उज्जैन के नानाखेड़ा ग्राउंड में आयोजित किए गए गरबों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। गरबा पंडाल में एक होर्डिंग के माध्यम से आम लोगों को संदेश दिया गया कि गैर हिंदू पंडाल में प्रवेश नहीं करें। साथ ही पंडाल में प्रवेश से पहले आधार चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। माता की आराधना के 9 दिनों में युवतियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नवरात्रि शुरू होने से पहले मंत्री उषा ठाकुर द्वारा गरबा पंडालों में युवतियों की रक्षा के लिए दिए गए बयान का असर अब उज्जैन में दिखाई दे रहा है। शहर के नानाखेड़ा स्थित ग्राउंड में सेवा ही संकल्प सांस्कृतिक समिति संस्था के अध्यक्ष बहादुर सिंह राठौर ने बताया कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं पर रोक लगा दी है। हमने पंडाल में बैनर लगाए हैं जिसमें साफ लिखा है कि गैर हिंदू प्रवेश नहीं करें। एक टीम को पंडाल के मुख्य द्वार पर लगा दिया गया जो कि हर हार आने जाने वाले पर निगाह रखने के साथ आधार लाइसेंस या कोई भी पहचान पत्र देखने के बाद ही प्रवेश दे रहे हैं। गरबा समिति के अध्यक्ष बहादुर सिंह राठौर ने बताया कि आधार चेक करने के साथ साथ पहले टीका लगाया जा रहा है। टीका लगाने से मना करने वालों को पंडाल में प्रवेश नहीं मिलेगा। नानाखेड़ा में चल रहे गरबों में भारी भीड़ उमड़ रही है जिसको देखते हुए गरबा पंडाल के में एंट्री से पहले ही पूछताछ कर अंदर प्रवेश दे रहे हैं। नानाखेड़ा स्थित गरबा पंडाल के प्रमुख प्रवेश द्वार पर गरबा समिति द्वारा एक बैनर लगा दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि पंडाल में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित है। इधर आयोजकों का कहना है कि अगर इसके बाद भी किसी ने प्रवेश किया तो उसको पंडाल में ही सबक सिखाएंगे। हालांकि परिवार के साथ आने वाले लोगों को परेशानी ना हो इसलिए उनको बिना चेक करे प्रवेश दिया जा रहा है। नवरात्रि से पहले धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर और उज्जैन के महामंडलेश्वर अतुलेश नंद ने गरबा पंडालों को लेकर बयान दिया था और कहा था कि इस बार आधार चेक कर ही गरबा पंडालों में प्रवेश मिलेगा। उज्जैन में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। कई गरबा पंडालों में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले पर खास नजर रखी जा रही है।